तो ना मोदी जी ने क्या बनाया शौचालय, उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज में देखा था, पहली बार देखा शौचालय घोटाला। मोदी जी के नाम से पत्रकार ऐसे तिलबिला उठते हैं कि जैसे मोदी जी से नहीं इनके घर वालों से सवाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट से, सुन लीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट से सवाल करने का, ठीक है ना। लोग नहीं समझ रहे कर्नाटक में जीत गई बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे नरेंद्र मोदी जी? इन्होंने पत्रकारिता मोदी जी के स्कूल से अभी करी है। 2014 में जैसे मोदी जी की डिग्री का नहीं पता ना, इनका भी नहीं पता होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे 56 इंची वाले जो सबसे बड़े ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर ब्लॉगर जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो पता ही नहीं चलता कि आज अमेरिका हैं, कल मिस्र की मस्जिद में गए। लेकिन आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग मोहित शर्मा को मोहित खान बताते थे सिर्फ इसलिए कि हम लोग देश के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, उन तमाम लोगों की कंपैरिजन ये लोग मुसलमानों से कर देते हैं, तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री जी के नाम के पीछे भी ये कोई खान, पठान, शेख या सैयद लगाएंगे क्या? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मिस्र की मस्जिद में गए हैं और इतना मुसलमानों को नहीं पता इस्लाम के बारे में जितना मोदी जी बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग अमेरिका में मौजूद थे वही लोग मोदी जी के वहां पर भी मौजूद थे मिस्र में। तो ये क्या है, ये प्रोपोगेंडा या क्या है? दूसरी बात ये कि एक फोटो आपने देखी होगी, एक वीडियो जो गोदी मीडिया सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल कर रही है, जिसमें एक जो सिंगर जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान गाती है, बहुत अच्छी बात है, भारत देश का राष्ट्रीय गान गाती है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के पैर छूती है। देखी होगी आपने वो सभी वीडियो, उसके बाद में गोदी मीडिया उसको लगातार ट्रेंड कर रही है। भैया, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप उसके 5 गाने दिखा दीजिए, वो सिंगर है ना, 5 गाने दिखा दीजिए उसकी। उसकी हकीकत ये है कि वो ट्रंप की पार्टी में मेंबर है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये है उसकी हकीकत, आप समझ जाइए। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इंग्लिश की जो टांग खींची है वो आप सभी को दिख गया होगा, दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी बॉस है आपके बॉस होंगे, आपके तो बॉस हैं, मैं तो गलत नहीं। राहुल गांधी जी क्या बोल देते हैं? हाँ जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी फिर ऐसे कैसे बयान दे देते हैं? एक क्या बयान दिया बताइए। अच्छा, राहुल गांधी जी को आप ये कह रहे हैं ना कि वो ब्लॉगर है? अरे मेरी बात, मेरे को आप ये बताइए, आलू सोना कहाँ से पत्रकारिता करी आपने? आप बताइए ना, बात आपने स्टेटमेंट सुना है वो स्टेटमेंट किसका था? आप बताइए स्टेटमेंट किसका था वो? स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है, ठीक है, सुना है आपने पूरा स्टेटमेंट? बताइए क्या था स्टेटमेंट पूरा, बताइए ना आप यहाँ पे। अरे आपने बात करी आलू से सोने वाली बात करेंगे? वो डबल एमए एमफिल आदमी है, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं करी, जिसको यही ना पता हो? नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, जिसको एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, हार का और जीत का पढ़े लिखे से और अनपढ़ से क्या कनेक्शन? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते फिर? किससे? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते? लॉ पढ़ा है आपने? इंडियन लॉ पढ़ा है? अरे मैं क्या बोलता हूँ आपको, इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? क्या लिखा है उसमें कानून के अंदर? कानून में लिखा है कि हर एक प्रतिनिधि को यह जानने का हक और अधिकार है कि जो उसका जो चुनाव जो लड़ने वाले व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा है। आप देश के कानून का अपमान करेंगी? इससे ये तो संबंधित नहीं है कि उनके अगर उनका उनका जो डिग्री अगर उन्होंने हमें नहीं दी तो नहीं बन सकते मोदी। कौन? वो सरकार नहीं बना सकते। आपको पता है, सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपने पढ़ा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था, फैसला सुनाते हुए उसने बोला था कि एक कांग्रेस के एक लीडर थे जिन्होंने अपनी डिग्री को छुपाने का काम किया था, उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी थी। पता है आपको या नहीं पता था? बताइए, विपक्ष से सवाल ही पूछ सकते हैं किससे? अब एक बात मुझे, एक मिनट, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, सत्ता पक्ष से सवाल करेंगी? आपके टाइम में क्या था? आपने सोना का स्वर्ण मंदिर बना के छोड़ दिया था क्या? आपसे तो मंदिर भी नहीं बना। कहाँ से पैसा बनाकर? तो मोदी जी ने मंदिर बनाया है, ये भाई बताएंगे, ये पत्रकार बता रही, मोदी जी ने बनाया है मंदिर। मतलब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मंदिर का फैसला तो मोदी जी ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है, और आप कह रही हैं कि मंदिर बनाया है। आपको भी इतना पता होगा, आप इतनी जगह बोलते हैं, आपको इतना पता होगा शायद जो सरकार होती है उसके अधीन ही काम हो रहा है, तो सरकार को ही हम बोलेंगे गलत काम के। अच्छा, कि सिलेंडर जो वो क्या सीधा मोदी बढ़वा रहा है, ये भी हम कहते हैं जब कुछ गलत होता है तो सीधे मोदी को हम टारगेट करते हैं। एक मिनट, मेरे को आप एक सवाल का जवाब बताइए, आप जो कह रहे हैं क्या काम? मैं जवाब देने नहीं आई हूं, मैं आपसे सवाल पूछ, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले आपको बता दूं, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए। आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा, आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में, दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा? जम्मू देश का हिस्सा नहीं है, किसान के लोगों को नहीं प्रभाव। अब जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहा जम्मू में?
क्या नहीं हो रहा जम्मू में? जनता को बताइए ना, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप ही तो बता रही हैं, तो आप बता तो दीजिए मोदी जी के पांच काम। अच्छा हुआ है, अरे पांच काम बता दीजिए। मैं कोई गोदी मीडिया में उसका नहीं आ रही हूँ कि मैं वो पक्ष रख रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ 370 हटाने से अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप अपनी वो रखिए प्रतिक्रिया। अच्छा जी, एक बात आप मुझे बताइए, आर्टिकल 3, अरे सुन लीजिए, आप ही ने बताया कि राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। मेरे को तो अब तक ये पता था कि कोर्ट ने बनाया राम मंदिर, मैं पहली बार आपके मुँह से सुन रहा हूँ। बहुत सारे काम है जो आपके टाइम में हुए, हम कह सकते हैं कोर्ट में हुआ, फिर किस बात की? हाँ बताइए, हाँ बताइए कौन से काम है बताइए आपकी नवाई ऐसे कौन? अरे ये लोग, ये व्हाट्सएप पे सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे जितना आता है मुझे पता है उतना ही पढ़ के आती है। मैं नहीं, मैं कुछ भी पढ़ के नहीं, जहाँ से आप जैसे इंटरव्यू लेने का। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे आप मेरे से इंटरव्यू, आप सुन लीजिए, अरे आप प्रश्न, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी। आपको पता है नहीं पत्रकारिता में स्थान क्या आपका? अरे तो आप नहीं, तो आप, मैं आपको क्यों दूंगा? हु आर यू? मैं आपको क्यों दूंगा? हु आर यू? कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? हु आर यू? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से कह रही ना कि मैं आपके, आप मेरे से क्यों सवाल का जवाब देंगी? आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना? पता है आपको? है 142 और 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? पूछ रही हूं आपसे, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे मत बताइए कब पढ़ा था आपने 142 है। आपको क्या लेना देना, मैं कभी भी पढ़ूं। और अब सुन लीजिए, अब आप जो बात करती है ना कि क्या किया पिछली सरकार ने, आज आपको गिनाता हूँ जो आपने पत्रकारिता करके आई है ना। अरे सुनना ही नहीं चाहती है, जब इतना कुछ किया है तो आप क्यों नहीं? एक काम करिए, आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लेंगे ना, वो भी बिल्कुल बहुत खुश होगा, क्योंकि वो भी आप, क्योंकि आप जितनी तारीफ मोदी जी की कर रही है ना। तारीफ नहीं कर रही हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप सुनना ही नहीं पसंद नहीं कर रही, आप सुनना ही नहीं पसंद कर रही। आप जिस स्कूल से पढ़ के निकली है ना, वो स्कूल भी पिछली सरकारों ने बनाया। पर्सनली नहीं आप पूछना चाह रहे, आपको काम गिना रहा हूँ। जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले वो भी पिछली सरकार ने बनाया। जिस कॉलेज से आपने मास कॉम जर्नलिज्म किया वो भी पिछली सरकारों ने बनाया। जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ वो अस्पताल भी पिछली सरकारों ने बनाया। तो आप ही लोग बनाएंगे ना? अच्छा, इसमें एहसान कर दिया क्या? हाँ, तो मोदी जी ने, तो मोदी जी ने क्या बना दिया? मोदी जी ने क्या बना दिया 9 साल से? मैं मोदी जी को डिफेंड कर रही हूं। आप कह रही हो ना, आप कह रही हो ना कि आजादी के बाद आपको दिया, आपको भी तो 9 साल देश दे दिया। वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, गलत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना, महंगाई बेरोजगारी वो कर रहे हैं, यही मैं आपको बोलूँ। जब आपको दिया गया सत्ता, आपने अच्छी चीज की, आपने गलत चीज की, अब मोदी जी के पास है वो अच्छी चीज करे वो गलत चीज करे। हाँ, तो मतलब वो गलत चीज करें तो हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना, मोदी जी ने क्या बनाया शौचालय? उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज्य में देखा था? पहली बार देखा शौचालय घोटाला। क्या किया है मोदी जी ने जरा ये तो बता दीजिए, बताइए। अरे मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप कह रहे हैं ना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप मुझे ये तो बताइए कि मोदी जी ने किया क्या है? मैं भी तो जानना चाहता हूँ। आप नहीं जवाब, आपके पास तो मना कर दीजिए, वरना गिनाइए मोदी जी ने क्या पांच काम किए बताइए। क्यों गिनाऊं, मैं तो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रही हूं, आपकी पार्टी के बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। कुछ नहीं सर, मैं किसी पार्टी का बोर नहीं हूं, आपकी बात सुनने आई हूं। हाँ, तो मेरी बात सुने तो बात सुनेंगे, तभी तो मैं तो आपको जवाब ही दे रहा था। आप तो अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, कितना चाहिए? हाँ हाँ, अच्छे दिन चल तो रहे हैं, आप इन्हें देख रहे हैं। मोदी जी के नाम से पत्रकार ऐसे तिलबिला उठते हैं कि जैसे मोदी जी से नहीं, इनके घर वालों से सवाल कर रहे हैं। घर वाले फालतू बकवास मत कीजिए। अरे भाई, आप कैसी बात करें, फालतू बकवास, ये किस तरीके की भाषा है? मैंने नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है, सुन लीजिए। आप नहीं बताएंगे मुझे गवर्नमेंट से, सुन लीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट से सवाल करने का, ठीक है ना? और सुन लीजिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है ना? मैं नहीं चिल्ला रहा, मेरी तो नॉर्मल आवाज है, सबको पता, रोज सुनते सब। झूठ सच नहीं हो जाता। हाँ, लोग क्यों नहीं आपकी बात समझ पाते हैं? अच्छा, लोग एक मिनट, लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। कर्नाटक में जीत गई बीजेपी, एक मिनट, कितनी जगह बीजेपी बहुमत में, जरा बताइए, गिनाइए। आप कह रहे हैं लोग नहीं समझ रहे, गिनाइए कितनी जगह बीजेपी बहुमत में। चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है, तो ये लीजिए, बताइए। अब जहां मोदी जी हार जाते हैं, भाई कहते हैं कि विधानसभा की बात ही नहीं हो रही है। अभी कर्नाटक जीत जाते तो कहते हैं विधानसभा की बात हो रही है। किसी बात कर रही है आप? लोकसभा से संबंधित ही प्रश्न। अभी चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का है? पहले अभी विधानसभा का है, तो फिर नहीं। लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा पे जो सदस्यता रद्द हुई राहुल गांधी की, उसके बाद भी आप किसको देख रहे हैं? किसके? एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, मेरे को एक बात आप बताइए। पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है, क्या किसी पे काबिलियत भरे नेता नहीं है? तो क्या कांग्रेस में नहीं है कि उसको सबका साथ लेने की जरूरत है? किसको? पूरी महागठबंधन करने की जरूरत है। अच्छा, तो बीजेपी के पास में, बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे नरेंद्र मोदी जी? पूछा आपने क्यों बैठे थे? हैं, जिस महबूबा मुफ्ती को ये कहते थे कि उनसे खतरा है, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ गए? एक मिनट, किसके? अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं। नहीं, कोई शब्दावली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट शब्दावली है, ठीक है? आप मेरे को नहीं बताएंगी तो आपको क्या तकलीफ? अभी तो कहने की मैं मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रही,
मैं मोदी जी को बोलता हूँ तकलीफ आपको होती है। महबूबा मुफ्ती आपकी, राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलती, मैं इतनी ही प्रमुखता से बोलती। अच्छा, मैंने बोला है महबूबा मुफ्ती की सरकार की गोद में जाके बैठ गए, सरकार की गोद बोला है, शब्द यूज नहीं किया है। अच्छा, हाँ रिकॉर्ड है, सरकार अब बोल दिया। हाँ हाँ तो बोल दिया, महबूबा मुफ्ती की गोद में गए, सरकार बनाने के लिए गए। और बताइए, अब आप सरकार कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती गोद तो सरकार बनानी तो जाएंगे, सरकार बनानी तो जाएंगे, और किस लिए जाएंगे? हाँ तो मैंने बोला, अरे मैंने बोला है महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ गए, मैंने बोला है सरकार बनाने के लिए गए, और किस लिए गए? और सरकार बनाने के लिए गए, किस लिए गए, किस लिए जाएंगे? और स्टेटमेंट आपने बाद में दिया, आपने पहले ये लीजिए, अब ये लीजिए, आगे बढ़िए, आपने बोल दिया। हाँ तो आप बता दीजिए, अब आप बताइए ना, बोलिए जो आप बोल रहे थे। नहीं आप बताइए ना, आप मुझे, आप कह रही है ना कि क्या कहते हैं विपक्षी दल, क्यों विपक्षी दल एक ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो विपक्षी दल एक? आपसे पूछ के होगा, आप सलाहकार हैं विपक्ष के, आप राहुल गांधी के सलाहकार हैं। आपको जब जानना होता है तो आप पूरे कानून गिना देते हैं। हाँ, तो आप ही गिनाइए ना कानून, कानून गिनाने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है, कानून गिनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आप भी तो गिना दीजिए। अरे आप भी तो गिना दीजिए, अरे बता तो दीजिए आप मुझे, एक आध कानून आप भी गिना दीजिए। विदेश में जाके डंका नहीं बज रहा है मोदी का, पहले नहीं बजता था, पहले नहीं बजता था मोदी का, है राहुल का बजता था पहले, अब ये अभी ना आप गिनाता हूँ, सुनते रहिए। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, 1966 पता है आपको क्या था? बताइए ना, इन्हें कुछ नहीं पता, सभी कुछ मैं ही बता दूंगा आपको, आप मोदी जी की चाटुकारिता ही करेंगी। मैं अनपढ़ हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, एक पत्रकार पूछ रही है सर से। बहुत बढ़िया मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अनपढ़। अब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, ये आप पहले कहती, मैं जवाब दे देता। आप सुन लीजिए, स्कूल में गई थी, वहाँ पे अच्छा सिस्टम नहीं था, तो मैं छोड़। हाँ, इन्होंने पत्रकारिता मोदी जी के स्कूल से अभी करी है, 2014 में, जैसे मोदी जी की डिग्री का नहीं पता ना, इनका भी नहीं पता होगा, क्योंकि 2014 से अब तक इतनी पत्रकारिता हो गई। सुन लीजिए, एक्सेप्ट करा, मैं जवाब देता हूँ। ये जो मैडम कह रही थी, इनके पहले सवाल का जवाब दे, तो कह रही की इज्जत थी। सुन लीजिए 1966 ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है? आपको पता है पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे देश के प्रधानमंत्री ने। और सुनते जाइए, भारत देश के सम्मान में, महात्मा गांधी के सम्मान में, 7 देशों की डाक टिकटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगाएगी, ठीक है? न्यूयॉर्क के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं तो जाकर देखिएगा कैसा उनका भव्य स्वागत होता है, ठीक है? जब देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं तो उनको लेने के लिए स्वयं बराक ओबामा वहां पर पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, ठीक है? जो आप कहते हैं ना भारत की इज्जत, ये कहकर आप उन तमाम शहीदों को अपमानित करने का काम करती हैं। आपने कहा कि कांग्रेस ने ही देश को आजाद दिलाया, तब भगत सिंह जी का नहीं हो रहा था? सुन लीजिए, अब भाई पूरे देख, सुन लीजिए सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब वीडियो में देखें कि मैंने कितना बोला। मैं दोबारा बोलता हूँ, कहा है कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि क्रांतिकारियों ने आजादी दिलाई, और अभी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अपमान है। एक मिनट अब सुन लीजिए, एक मिनट, अब मैं आज आपको सबके, आप, मैंने शुरुआत में बोला है ना, दीजिए मेरा फोन, मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको, अब मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाइए। शुरुआत में ये मैडम कह रही है कि मैंने बोला है, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कांग्रेस ने जाए दिले। मैं किसी पार्टी से हुई नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा? सुन लीजिए, अब आप अपने कान से सुनिए, उसको माइक लगा के सुनाइए पूरे सबको। मैं आपको बता दूं कि हमारे 56 इंची वाले, सुन लीजिए, और आप सबके पास रिकॉर्डिंग है, आप भी सुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो पता ही नहीं चलता कि आज अमेरिका है, कल मिस्र की मस्जिद में गए। माफी मांग लीजिए, माफी नामे लिखने की आदत है, सुन लीजिए, सुन लेते हैं। अरे आधा घंटे की वीडियो भाई, नहीं नहीं नहीं, मैडम ने बोला तो सुन लेते हैं, इनकी तसल्ली के लिए बोलिए, शुरुआत में बोले हैं हम। शांत रहिए तो सुनिए, कंपैरिजन ये लोग मुसलमानों से कर देते हैं, तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री जी के नाम के पीछे भी ये कोई खान पठान शेख या सैयद लगाएंगे क्या? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मिस्र की मस्जिद में गए, और इतना मुसलमानों को नहीं पता इस्लाम के बारे में जितना मोदी जी बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग अमेरिका में मौजूद थे वही लोग मोदी जी के वहाँ पर भी मौजूद थे मिस्र में, तो ये क्या है, ये प्रोपोगंडा या क्या है? दूसरी बात ये कि एक फोटो आपने देखी होगी, एक आगे मोदी मीडिया, हाँ आगे करके देखिए, बिल्कुल देखिए आप आगे करके, मतलब मिल जाए तो, और आप सभी के पास वीडियो है, आप सभी सुन लीजिए पहले। भाजपा को क्या है ना, झूठी बहस करने की आदत है, सुन लीजिए। भैया मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, सिंगर है ना, ना मैडम की पार्टी में मेंबर है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, जय हिंद जय भारत बोल दो ना, आप समझ जाइए। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इंग्लिश की जो टांग खींची है वो आप सभी को दिख गया होगा, दो टेलीप्रॉम्प्टर, एक नहीं दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद, बॉस है, बॉस है, बॉस है, आपके बॉस होंगे, आपके तो बॉस नहीं, मैं तो कहता हूं प्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी क्या बोले, हां जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी भी ऐसे कैसे बयान करने का हक और अधिकार है, मिल गया आपको
सर वो अगर मुझे मिला होता तो मैं काट तो नहीं देती, सब ऑन कैमरा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप सबके सामने वीडियो है, आप ढूंढ सकते हैं। दिखा दी, दिखा दिखा जाइए, यहीं पे खड़े आप दिखा जाइए, आप बंद कर दो सब लोग, दिखा मैं भी देख लूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।